सुन मेरी शहजादी, मैं हूँ तेरा शहजादा, बाहों में लेके तुझे मैं करता हूँ वादा। तो गाइस आपने मेरे वीडियो के स्टार्टिंग में आप जिस वीडियो को देखा, इस वीडियो का दोस्तों जो सॉन्ग है फिर टिकटॉक में अभी दोस्तों वायरल चल रहा है। अगर दोस्तों आप इस ट्रेंडिंग सॉन्ग के ऊपर दोस्तों कुछ इस तरह का वीडियो बनाते हो जिस तरह का दोस्तों वीडियो आप मेरे वीडियो के स्टार्टिंग में देखे हो, तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करूंगा दोस्तों कि आपको उस वीडियो में लाइक्स और फॉलोअर आने के आपको चांसेस ज्यादा रहेंगे। तो गाइस आपको अगर कुछ इस तरह का वीडियो बनाना सीखना है तो मेरे इस वीडियो को आपको थोड़ा सा ध्यान देकर देखना होगा। अगर दोस्तों आप मेरे चैनल के एक रेगुलर व्यूअर हो तो फ्रेंड्स आपको पता ही है कि इस तरह का वीडियो बनाने के लिए मैं सबसे आसान तरीका बताता हूं। तो गाइस ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों अगर आप मेरे वीडियो को लाइक करते हो ना तो मेरे में वीडियो बनाने का हौसला और ज्यादा आता है। तो गाइस आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फटाफट एक लाइक कर दीजिए, और दोस्तों हो सके तो अपने फ्रेंड्स को भी थोड़ा सा वीडियो शेयर कर दे, ताकि दोस्तों अभी कुछ इस तरह के यूनिक कंटेंट का दोस्तों वीडियो बना के टिकटॉक में कुछ लाइक्स और फॉलोअर बढ़ा सके। गाइस अगर आप मुझे नहीं जानते हो तो मैं फ्रेंड्स आपको बता दूं कि मेरा नाम है विद्युत और मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके और हमारे यूट्यूब चैनल जेएसआर ग्राउंडा में। गाइस अगर आप मुझे बगते हुए पहली बार सुन रहे हो या फिर मेरे चैनल पर दोस्तों आप पहली बार आए हो, तो फ्रेंड्स आपको इसी वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिखेगा, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके दोस्तों आप ऑल सेलेक्ट कर ले, ताकि गाइस मैं कुछ भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूंगा उसके नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। तो दोस्तों बिना किसी देरी के चलिए वीडियो का भी स्टार्ट करते हैं। गाइस इस तरह का वीडियो बनाने के लिए जो आपको बिहाइंड द सीन शूट करना है दोस्तों, आपको अपने वीडियो को तीन पार्टों में वीडियो को शूट करना है। गाइस यहां पर देख सकते हैं मैं अपने फर्स्ट पार्ट में कुछ इस तरह से एक्टिंग करके वीडियो को शूट कर रहा हूं, सेकंड पार्ट में गाइस यहां पर कुछ इस तरह से, और थर्ड पार्ट में गाइस कुछ इस तरह से। अभी गाइस आप अपने हिसाब से एक्टिंग करके वीडियो को शूट कर लीजिएगा। इसके बाद का जो प्रोसेस है दोस्तों, आपको अपने स्मार्टफोन में इंस्टॉल काइन मास्टर एप्लीकेशन का आपको ओपन करना होगा। तो गाइस चलिए आप अपने स्मार्टफोन के काइन मास्टर को ओपन कीजिए, मैं दोस्तों यहां पर जाके आपको आगे का प्रोसेस बताता हूं। तो गाइस यहां पर देख सकते हैं जो मेरा स्मार्टफोन का काइन मास्टर एप्लीकेशन है दोस्तों, उसको मैंने ओपन करके रखा है। मैं गाइस काइन मास्टर का प्रो मोड यूज करता हूं। आपको अगर दोस्तों इस वाले प्रो मोड को डाउनलोड करना है तो मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक देकर रखा है दोस्तों, जहां से गाइस आप काइन मास्टर प्रो मोड को डाउनलोड कर सकते हैं। अब जो आपको बीच में न्यू ओपी फाइल का ऑप्शन दिख रहा होगा, देख सकते हैं इस वाले न्यू ओपी फाइल में फ्रेंड्स आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही दोस्तों आप इसमें क्लिक करते हैं, कुछ इस तरह के तीन एक्सपेक्ट रेशियो आपके सामने आएंगे। यहाँ पर गाइस जो आपको एक्सपेक्ट रेशियो सिलेक्शन करना है वो है आपका 9:16 का। आपको गाइस 9:16 एक्सपेक्ट रेशियो में क्लिक करके अपना काइन मास्टर एप्लीकेशन को आपको ओपन कर लेना होगा। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरा काइन मास्टर एप्लीकेशन है उसको मैंने ओपन कर लिया है। अब गाइस आपको जो राइट साइड में मीडिया का ऑप्शन दिख रहा होगा, देख सकते हैं इस वाले मीडिया फ्रेंड्स आप क्लिक करके अपना गैलरी को ओपन कीजिएगा, और यहाँ से गाइस आप अपना पसंदीदा बैकग्राउंड आपको सिलेक्शन कर लेना है। मैं दोस्तों आपको दिखाने के लिए यहाँ पर कुछ भी एक बैकग्राउंड को सिलेक्शन करता हूँ। गाइस यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरा बैकग्राउंड है दोस्तों, उसको मैंने सिलेक्शन कर लिया है। अब गाइस आपको क्या करना है, इस वाले बैकग्राउंड की ड्यूरेशन को दोस्तों आपको कुछ इस तरह से आपको बढ़ा लेना होगा। कुछ इस तरह से बढ़ा लेने के बाद गाइस आप क्या कीजिएगा, आप अपने वीडियो में कुछ इस तरह से फर्स्ट तरफ आइएगा। आने के बाद दोस्तों आपको जो सेटिंग दिख रहा होगा, देख सकते हैं इस वाले सेटिंग में फ्रेंड्स आपको क्लिक करके इसका आपको ऑडियो फेड आउट को फ्रेंड्स आपको बंद कर देना होगा। इसको बंद करने से दोस्तों आपके वीडियो के एंडिंग में जो आपको साउंड कम होता है वो कम नहीं होगा। अब गाइस आपको क्या करना है, आपको दोस्तों इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाना है, जहाँ पर फ्रेंड्स मैंने उस वीडियो का ग्रीन स्क्रीन का लिंक दे के रखा है। आपको गाइस उस वाले वीडियो को डाउनलोड कर लेना है। अगर दोस्तों मेरे दिए हुए डिस्क्रिप्शन के लिंक से ये वीडियो डाउनलोड नहीं होता है तो फ्रेंड्स आप मेरे टिकटॉक आईडी से भी इस वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं। मेरा जो टिकटॉक आईडी है दोस्तों आपको मेरे डिस्क्रिप्शन पर ही मिल जाएगा। डाउनलोड करके आपको उस फाइल को सिलेक्शन करने के लिए क्या करना होगा, जो आपको राइट साइड में लेयर का ऑप्शन दिख रहा होगा, देख सकते हैं इस वाला लेयर में आपको क्लिक करना होगा। और दोस्तों जो फर्स्ट ऑप्शन है आपका मीडिया का, आपको इसी वाले मीडिया में क्लिक करके अपना गैलरी को ओपन करना होगा दोस्तों। और यहाँ से गाइस आपको जो ग्रीन स्क्रीन का वीडियो है दोस्तों उसको आपको सिलेक्शन करना होगा। मेरा दोस्तों जो ग्रीन स्क्रीन का वीडियो है उसको मैं सिलेक्शन कर रहा हूँ। गाइस यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरा ग्रीन स्क्रीन का वीडियो है दोस्तों उसको मैंने सिलेक्शन कर लिया है। अब गाइस आपको इस बार एरो में पकड़ के कुछ इस तरह से इसको फुल स्क्रीन में करना है। फुल स्क्रीन में कर लेने के बाद गाइस आपको जो ग्रीन स्क्रीन दिख रहा होगा, देख सकते हैं इसको आपको रिमूव करना होगा। इसको रिमूव करने के लिए आपको जो राइट साइड में ऑप्शन सब दिख रहा होगा, देख सकते हैं इसी ऑप्शन का जगह आप स्क्रॉल करके नीचे करेंगे तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर एक कोरमाकी का ऑप्शन दिखेगा। आपको गाइस इस वाले कोरमाकी में क्लिक करके दोस्तों आपको इसको इनेबल कर देना है। जैसे ही गाइस आप यहाँ पर इनेबल करते हैं, आपका जो पीछे का बैकग्राउंड दोस्तों यहाँ पर दिखने लगेगा। अब गाइस आपको क्या करना होगा, जो आपको राइट साइड में लेयर का ऑप्शन दिख रहा होगा, देख सकते हैं इस वाले लेयर में आपको क्लिक करना होगा। और दोस्तों जो फर्स्ट ऑप्शन है आपका मीडिया का, आपको इसी वाले मीडिया में क्लिक करके अपना गैलरी को ओपन करना होगा दोस्तों। और यहाँ से गाइस जैसा मैंने बिहाइंड द सीन मेरा वीडियो को शूट करके आपको दिखाया है, आप दोस्तों जो अपना वीडियो शूट किए हो अपना फर्स्ट पार्ट वाला, आपको गाइस फर्स्ट पार्ट को आपको यहाँ पर सिलेक्शन करना होगा। मेरे वीडियो का दोस्तों जो फर्स्ट पार्ट है उसको मैं सिलेक्शन कर रहा हूँ। गाइस यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरा वीडियो का फर्स्ट पार्ट है दोस्तों उसको मैंने सिलेक्शन कर लिया है। अब गाइस आपको क्या करना है, इस वाले एरो में पकड़ के कुछ इस तरह से इसको फुल स्क्रीन में करना है। फुल स्क्रीन में कर लेने के बाद गाइस आपको क्या करना होगा, इसका जो कलर फिल्टर है दोस्तों उसको भी आपको चेंज करना होगा। उसके लिए दोस्तों आपको राइट साइड में जो ऑप्शन सब दिख रहा होगा, इसी ऑप्शन का स्क्रॉल करके नीचे करेंगे तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर एक कलर फिल्टर का ऑप्शन दिखेगा।
आपको गाइस इस वाले कलर फिल्टर में क्लिक करके दोस्तों आपको जो यहाँ पे कलर फिल्टर सिलेक्शन करना है वो रहा इस वाले। आपको गाइस इस वाले कलर फिल्टर के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना होगा। ऐसा करने से तो आपका जो वीडियो है कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब गाइस आपको क्या करना है, जो लेफ्ट साइड में आपको ये 3 डॉट दिख रहा होगा देख सकते हैं, इस वाले 3 डॉट में क्लिक करके आपको सेंड टू बैक ऑप्शन आपको क्लिक कर देना होगा। ऐसा करने से दोस्तों आपका जो वीडियो है इस वीडियो के पीछे चला जाएगा। अब गाइस आपको क्या करना है, आपको अपना वीडियो को दोस्तों एक बार अभी प्ले करके देखना है। और गाइस मैं आपको दिखाता हूँ आपका जो सेकंड वीडियो आपको कहाँ पर लगाना है। गाइस आपका जो सेकंड वीडियो दोस्तों आपको कुछ इस तरह से आपको इस जगह पर आना है, कुछ इस तरह से आपको इस जगह पर। इस जगह पर आने के बाद गाइस आपको जो राइट साइड में जो लेयर का ऑप्शन दिख रहा होगा इसी पर लेयर में आपको क्लिक करना होगा, मीडिया में सिलेक्शन करना होगा दोस्तों। और यहाँ से गाइस आपका जो सेकंड रिकॉर्डिंग किया वीडियो है दोस्तों उसको आपको सिलेक्शन करना होगा। मेरा दोस्तों जो सेकंड रिकॉर्डिंग किया वीडियो उसको मैं सिलेक्शन कर रहा हूँ। गाइस यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरा सेकंड रिकॉर्डिंग किया वीडियो उसको मैंने सिलेक्शन कर लिया हूँ। अब गाइस सेम प्रोसेस में इसी वाले एरो में पकड़ के कुछ इस तरह से फुल स्क्रीन में कीजिएगा दोस्तों। इसका भी गाइस आपको कलर फिल्टर को कुछ इसी तरह से आपको चेंज कर लेना होगा, कुछ इसी तरह से इसी वाले कलर फिल्टर के ऑप्शन पर फ्रेंड्स आपको क्लिक करके जो आपको लेफ्ट साइड में 3 डॉट दिख रहा हो इसी 3 डॉट में क्लिक करके आपको सेंड टू बैक ऑप्शन को क्लिक कर देना होगा। इसमें भी दोस्तों आपका जो वीडियो है कुछ इस तरह से पीछे चला जाएगा। अब गाइस आपको जो थर्ड वीडियो आपको कहाँ लगाना है मैं गाइस आपको दिखाता हूँ। उसके लिए भी दोस्तों आपको सेम प्रोसेस आपको यूज़ करना होगा। गाइज आपका जो थर्ड वीडियो है दोस्तों आपको कुछ इस तरह से आपको इस जगह पे लगाना होगा। सेम प्रोसेस में दोस्तों आप लेयर में क्लिक कीजिएगा, मीडिया में सिलेक्शन कीजिएगा दोस्तों। और यहाँ से गाइज आपका जो थर्ड वीडियो है उसको आप सिलेक्शन कर लीजिएगा। गाइस यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरा थर्ड वीडियो है उसको मैंने सिलेक्शन कर लिया है। अब गाइस सेम प्रोसेस में इसी वाले एरो में पकड़ के कुछ इस तरह से फुल स्क्रीन में कीजिएगा दोस्तों। इसका भी गाइस आप कलर फिल्टर को कुछ इसी तरह से दोस्तों आप चेंज कीजिएगा, कुछ इस तरह से। और जो लेफ्ट साइड में 3 डॉट दिख रहा होगा इसी 3 डॉट में क्लिक करके आपको सेंड टू बैक ऑप्शन को क्लिक कर देना होगा। अब गाइस अपना वीडियो को अगर आप दोस्तों शुरू से प्ले करके देखेंगे तो आपका वीडियो अभी कुछ इस तरह से दिखेगा देख सकते हैं। तो गाइस इस तरह से आप बहुत ही आसान से स्टेप को फॉलो करके आप इस तरह का वीडियो बना सकते हैं। अब गाइस आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको दोस्तों लेफ्ट साइड में जो शेयर का ऑप्शन दिख रहा होगा देख सकते हैं, इस वाले शेयर में आपको क्लिक करके आपको अपना फाइल को एक्सपोर्ट कर लेना है। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर दोस्तों का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को फटाफट एक लाइक कर दीजिए। अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हो तो फ्रेंड्स आपको पता है आपको क्या करना होगा। तो गाइस बिना किसी देर के चलिए वीडियो पर अभी एंडिंग लगाते हैं।